इस वक्त मैं जा रहा हूँ महानंदा टेम्पल की तरफ, और यहाँ से ये सीधा रास्ता जाता है टेम्पल की तरफ, और वहाँ जाकर के मुझे एक फेरी लेनी है, और फेरी से मैं उस टेम्पल पर जाऊँगा, क्योंकि वो टेम्पल बीच नदी के अंदर में है, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है वहाँ तक जाने का, तो फेरी से ही जा सकता है। तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। मैं उमानंदा टेम्पल पहुंच चुका हूं, और ये पूरा अंदर का दृश्य है, नज़ारा है, और यहाँ ये बीच है, और इस बीच से हम फेरी लेके जाएंगे, और ये फेरी हमें डायरेक्ट उमानंदा टेम्पल है वहां छोड़ेगा। तो मैं आपको फेरी से पूरा इसका व्यू दिखाऊंगा। तो ये फेरी है, और हम इस फेरी में बैठ के हम उमानंदा टेम्पल की तरफ जाएंगे, और यहाँ से टेम्पल का डिस्टेंस हार्डली 2 से 3 किलोमीटर है, और यहाँ से ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि और अल्टरनेट सोर्स नहीं है जाने का। इस वक्त मैं फेरी पे खड़ा हूँ, और ये फेरी मुझे उमानंदा टेम्पल की तरफ लेके जाएगी। और अगर मैं बात करूंगी देना पड़ेगा, एंड अगर आप प्राइवेट फेरी से ट्रैवल करते हो तो आपको 500 देना पड़ेगा। फर्क इतना ही है कि प्राइवेट फेरी आपको 1 घंटे तक पूरे रिवर में घुमाएगी, और गवर्नमेंट जो फेरी है वो यहाँ से टेम्पल तक लेके जाएगी, और टेम्पल से वापस ले जाएगी। विदिन 1 आवर में ये जर्नी कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है रिवर के अंदर तो आप प्राइवेट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। मैंने गवर्नमेंट प्रेफर किया है, क्योंकि ये मोर सिक्योर है ज़्यादातर प्राइवेट। और ये जो सामने आप टापू देख रहे हैं, जैसे आप टापू कह लो या आइलैंड कह लो, बात एक ही है, यही है उमानंदा टेम्पल, और ये फेरी सिर्फ यहीं तक जाएगी, और इसके बाद हम टेम्पल पैदल जाएंगे, और वापस आते टाइम हमें ये फेरी पकड़नी पड़ेगी जो हमें वापस बीच तक लेके जाएगी। से मैं नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ से मंदिर की सीढ़ियों से मैं ऊपर जा रहा हूँ। कुछ डिस्टेंस पैदल ट्रैवल करना पड़ेगा डायरेक्ट मंदिर में जाने के लिए, और लास्ट गाड़ी 4:30 बजे तक है, तो मेरे पास अभी आधे घंटे का समय है, उससे पहले जा करके मुझे दर्शन करके वापस आना है, अगर मेरी फेरी छूट गई तो। आज के बाद, इसके बाद कोई फेरी नहीं है इसके बाद, तो मैं आपको अंदर का पूरा व्यू बताऊंगा जल्दी जल्दी में।
ये है उमानंदा माता का प्रसाद। उमानंदा टेम्पल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और ये ब्रह्मपुत्र नदी है उसके अंदर एक पीकॉक आइलैंड है, छोटा सा एक आइलैंड है उसके अंदर है। और ये दुनिया में ऐसा पहला रिवर राइन टेम्पल है जिसके थ्रू आप फेरी से जा सकते हैं। तो आपको मैंने इसका इनसाइड व्यू दिखाया है और अब मेरा समय हो चुका है फेरी पे जाने का। ऑलमोस्ट 4:40 हो चुके हैं और मेरी फेरी आ चुकी है अब, और मैं इसके बाद अब फेरी से जो बीच है वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से ओला कैब लेकर के मैं अपने होटल पे जाऊँगा। और आज का जो डेस्टिनेशन था दो जगह, कामाख्या टेम्पल और उमानंदा टेम्पल, ये दोनों कवर हो चुके हैं। कल अभी हमें और भी जगह जाना है तो आज रात में बैठ के मैं उसके बारे में रिसर्च करूँगा कि कल कहाँ कहाँ जाना है। और ये जो फेरी अभी जा रही है ये एक प्राइवेट फेरी है और इसकी टिकट की कॉस्ट की बात करूँ उसको टिकट अराउंड 500 रुपीज़ है और ये आपको पूरा बना पूरा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसमें आपको ये सैर करवाती है। बट जो मेरी फेरी है वो एक गवर्नमेंट फेरी है जो अभी आने वाली है, वो रही मेरी फेरी और वो आ रही है, हम उसमें बैठेंगे और इसको उसमें बैठ के उस पार जाएंगे। तो ये थोड़ा अपडेट था। और अगर आप प्राइवेट फेरी लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा, ये एयर कंडीशन फेरी है, इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम है, रेस्टोरेंट है और 1 से 1.5 घंटे तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो हमारी फेरी है वो गवर्नमेंट फेरी है, वो भी अच्छी फेरी है, अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने फेरी के ऊपर तो आप वो अवेल कर सकते हैं। अभी मैं फेरी में हूँ और यहाँ से मैं बीच की तरफ जा रहा हूँ और बीच पे जाके वहाँ से मैं ओला कैब लूँगा और फिर होटल जाऊँगा। सो आज का जो दो डेस्टिनेशन था ऑलमोस्ट वो कवर हो चुका है। हेलो एवरीवन, जैसे मैंने बताया था कि डेट में मैंने अपना दूसरा होटल बुक किया है और उसमें मैंने कहा था कि होटल में जाकर मैं रूम का फीडबैक लूँगा। तो ये मेरा होटल रश्मि है, ये गुवाहाटी में रायगढ़ रोड पे है। एंड अगर मैं इसकी रूम की बात करूँ तो रूम इसकी काफ़ी अच्छी है और आपको इसके अंदर वाईफाई, टीवी एंड एसी की फैसिलिटी भी है। और इसकी मैं अमाउंट की बात करूँ तो ये 1000 में आपको मिल जाएगा एंड विंटर्स में आपको गीजर की फैसिलिटी भी मिलेगी। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके बारे में आप यहाँ पे वहाँ पे जाकर के अच्छे से सर्च कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल कंडीशन रूम भी काफी अच्छी है और ये सेमी डिलक्स रूम है। ये मेरा रूम का व्यू है। We'll be right back.